Kar, and welcome back to the channel. So we are back to continue our series of homeopathic remedies, and आज की हमारी reference book है Boric, and आज की remedy है reference Sativus. ये black garden radish से बनती है, and जो इसका action है वो pain पे marked है. तो pain produce करती है proving में, यानी pain ठीक करेगी treatment में. Stitches in the liver and spleen देखे जाते हैं इसमें. बाइल को इंक्रीज करती है और सलाइवरी सीक्रेशंस को इंक्रीज करती है. सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं प्रूविंग के वक्त यदि सॉल्ट यूज होता है रेडिश के साथ. ग्रेट अक्यूमुलेशन एंड इनकार्सरेशन ऑफ फ्लैटुलेंस. इनकार्सरेशन मतलब कोई चीज़ प्रिजन में रखती है, यानी जो गैस है ना तो ऊपर से निकल पाएगी ना नीचे से पास हो पाएगी, तो बेसिकली वो वहीं फंसी रह जाएगी, फ्लैटुलेंस फंसी रह जाएगी. ग्लोबस के सिम्टम्स में हम इसको सोच सकते हैं. सिबोरिया के सिम्टम्स में इसको सोच सकते हैं. वो तो ग्रीजी स्किन जब होता है, और सिबोरिया में बेसिकली एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सीरम हो रहा है फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, जैसे कि डैंड्रफ के केसेस में देखा जाता है. और भी बहुत केसेस होते हैं, बट डैंड्रफ इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. पेम्फाइगस के केस में इसको यूज कर सकते हैं. पेम्फाइगस बेसिकली एक बहुत ही रेयर ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि कॉज करती है ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है अटैक करता है हेल्दी स्किन सेल्स को एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स को. हिस्टेरिया के केस में, यानी इमोशनल एक्सेस साइकोन्यूरोसिस के केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है. चिलिनस पेशेंट में होती है इन द बैक एंड आर्म्स. स्पेसिफिक है चिलिनस इन बैक एंड आर्म में. सेक्शुअल इंसोमनिया देखा जा सकता है बहुत सारे पेशेंट्स में जो रेफेनस सेटाइवस कॉल करते हैं, या डेफेनस सेटाइवस से जो ठीक हो सकते हैं. निम्फोमेनिया के केसेस में यदि बाकी सिम्टम्स मैच होते हैं तो दिया जा सकता है. निम्फोमेनिया में बेसिकली एक ऑब्सेशन होता है विद सेक्सुअल थॉट्स, अर्जेस और बिहेवियर्स दैट मे कॉज डिस्ट्रेस और नेगेटिवली इफेक्ट द हेल्थ. तो मतलब जो सेक्सुअल थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा उसी में उलझे रहते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन्स में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिवियर होते हैं ज़्यादातर. हेड के सिम्टम्स देखे तो सैडनेस देखी जाएगी पेशेंट में. अवर्जन टू चिल्ड्रन देखा जाएगा, स्पेशली गर्ल्स. हेडेक रहेगा. ब्रेन फील्स टेंडर एंड सोर, ये देखा जा सकता है. आइज देखे तो इडीमा ऑफ लोअर आईलेट्स पेशेंट में देखा जा सकता है. नोज में म्यूकस इन पोस्टीरियर नेयर्स देखते हैं. थ्रोट में सेंसेशन होता है एज इफ अ हॉट बॉल और ग्लोबस इज प्रेजेंट, जो कि राइज करता है फ्रॉम द यूट्रस टू द थ्रोट एंड स्टॉपिंग देयर. नीचे से ऊपर को एक ग्लोबस राइज करते हुआ फील होता है, यानी गैस की प्रेवलेंस ज़्यादा है लेकिन वो एस्केप नहीं कर पाती है. हीट और बर्निंग महसूस की जाती है पेशेंट द्वारा थ्रोट में. स्टमक में प्यूट्रिड इरक्टेशंस होते हैं और पेशेंट को. बर्निंग होती है एपिगैस्ट्रियम में, जो कि फॉलोड बाय हॉट इरक्टेशन. अब ये इरक्टेशंस के केसेस में थोड़ा गैसेस एस्केप तो होता है, लेकिन लार्जली जो है गैस इनकार्सरेटेड रहती है, यानी वो एस्केप नहीं कर पाती है. एब्डोमेन में रेचिंग एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्टेंडेड होती है, टिम्पेनाइटिक होती है, हार्ड होती है. नो फ्लेटस एमिटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, ये बहुत ही मार्क सिम्टम है इसका. ग्रिपिंग अराउंड द नेवल. स्टूल जो है लिक्विडी फ्रॉदी प्रोफ्यूज ब्राउन विद कोलिक होता है. एंड अ पैड लाइक स्वेलिंग ऑफ इंटेस्टाइंस देखी जा सकती है पेशेंट्स में, यानी जो भी डिजीजेस रिलेट करती हैं विद इंटेस्टिनल स्वेलिंग. स्पेसिफिकली अगर इमेजिंग पे एक पैड लाइक स्वेलिंग फील हो रही है इंटेस्टाइंस में देखी जा रही है, तो उस केस में रेफेनस को कंसिडर कर सकते हैं, रेफेनस सेटाइवस को. वॉमिटिंग ऑफ फीकल मैटर, वेरी स्पेसिफिक. बहुत सारे ऐसे केसेस में जहाँ पे फीकल मैटर का पैसेज ब्लॉक्ड है और वो अक्यूमुलेट होता जा रहा है और वॉमिट के थ्रू निकल रहा है, तो देन यू कैन थिंक ऑफ इट फॉर रिलीफ. यूरिनरी सिम्टम्स देखे तो टर्बिड विद यीस्ट लाइक सेडिमेंट यूरिन, मोर कॉपियस थिक लाइक मिल्क. मिल्क जैसे यूरिन इसको पास होगी पेशेंट को. फीमेल जो है नर्वस इरिटेशन ऑफ जेनाइटल्स देखा जाता है. मेंसेस इनके वेरी प्रोफ्यूज होंगे एंड लॉन्ग लास्टिंग मेनोरेजिया फील पेशेंट में रहेगा. निम्फोमेनिया रहेगा फीमेल में भी विद एन अवर्जन टू हर ओन सेक्स एंड टू चिल्ड्रन.
सेक्सुअल इंसोमनिया, चिल्ड्रन का अवर्जन है रेफनेस में, और फीमेल्स में स्पेसिफिकली निम्फोमेनिया तो है, सेक्सुअल थॉट्स से ऑब्सेशन तो है, लेकिन अपने सेक्स से अवर्जन है और चिल्ड्रन से अवर्जन है, उनसे दूर रहने का मन करता है. चेस्ट में पेन इन द चेस्ट जो हो एक्सटेंड करता है टू द बैक एंड थ्रोट, सेंसेशन ऑफ अ हैवी लंप एंड कोल्डनेस इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट ये फील होता है. रिलेशनशिप में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मोमोर्डिका बेलसेमिना से, और मोमोर्डिका बेलसेमिना में एक्चुअली वर्स नियर स्प्लीनिक फ्लेक्चर के पास ये पेशेंट ज़्यादा कंप्लेंट्स फील करता है. कार्बोवेट से कंपेयर कर सकते हैं, एनाकार्डियम से, अर्जेंटम नाइट्रिकम से, ब्रेसिका नेपस ओलिफेरिया से, और डोज जो इसकी आइडियली शुरू करनी चाहिए वो 3rd to 30th पोटेंसी के बीच में शुरू करनी चाहिए. बाकी आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको रिलेट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड दिस इंक्लूड्स सेराफिनस सेटाइवस फ्रॉम बोरिक. एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.